अब एक आगे प्रश्न है, बड़ा भयंकर प्रश्न है जिसका समाधान हम लोग कीर्तन के बाद करेंगे। क्या प्रश्न है? वृहदारण्य को परिषद में कहा गया है, कामाय पुत्राः प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवति नवा अरे जाया ये कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु। उपनिषद में ये मंत्र है, क्या कहता है ये मंत्र? ये प्रश्न रख रही हूँ मैं, उसके बाद हम लोग पे कीर्तन करेंगे। क्या कहता है ये मंत्र? कहता है कि संसार में कोई भी पति सुख के लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई भी पुत्र अपने पिता के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी पिता अपने बेटे के सुख, ऐसा ये बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र है। सुनकर के झटका लग गया, ऐसा कैसे कह रहे हैं? अपने बेटे के सुख के लिए ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही बताती हूँ, अच्छे से समझाना है ना कि क्या हम लोग कर रहे हैं संसार में। जरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ये मंत्र जो कह रहा है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम तो अपने पति के सुख के लिए, पति बीमार होता है तो रात रात भर जाकर सेवा करते हैं, तो क्या अपने सुख के लिए? अब वो क्या करते हैं उसको मैं बाद में बताऊंगी। आप लोग अभी आप लोग थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन कीजिए, फिर ये संसार का जो सच्चा चिट्ठा खोलना है। ये जग एक सराय यहां सब I'm
एक प्रश्न रखी हूँ कि वेद कहता है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में कोई जीव किसी भी जीव के सुख के लिए कुछ नहीं करता। कोई पति अपनी पत्नी के सुख के लिए, कोई पति पत्नी अपने पति के सुख के लिए, कोई पुत्र अपने बेटे के सुख के लिए, कोई बेटा अपने पिता के सुख के लिए, कोई संसार में किसी भी जीव के सुख के लिए कुछ भी नहीं करता, ऐसा उपनिषद ने कहा है, वेद ने कहा है। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि हम तो संसार में देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई पति बीमार हो रहा है तो रात रात भर पत्नी जाकर सेवा कर रही है, तो क्या ये अपने सुख के लिए? या पत्नी बीमार हो रही है तो रात रात भर पति सेवा कर रहा है, तो क्या अपने सुख के लिए? बिल्कुल आप लोगों को धोखा है कि वो आपके लिए हो रहा है। डोंट माइंड, बुरा नहीं मानना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अब मुझे तो सच खोलना है कच्चा चिट्ठा संसार का, इसलिए बुरा नहीं मानना। हम लोगों को धोखा है, आप लोगों को धोखा है कि हाँ ये रात रात भर जो सेवा हो रही है ये अपने सुख के लिए, मतलब पति के सुख के लिए हो रही है। गलत। जो पत्नी या पति के सुख के रात रात भर सेवा कर रही है, अगर उसी पति के तकिए के नीचे कोई और दूसरी स्त्री की चिट्ठी मिल जाए, फिर वही पत्नी जो भी सेवा कर रही है ना, फिर वो कुछ और ही प्लानिंग करेगी। हाँ, ये जो रात रात भर जाके सेवा होती है, क्यों? क्या पति के सुख के लिए या किसी के सुख के लिए? कोई बीमार हो, क्यों? अपने सुख के लिए कि भाई सेवा करो, इनको कुछ हो जाएगा तो कल को मेरा क्या होगा, मुझे जो इनसे संरक्षण मिलता है, जो सब मिलता है, मुझे कौन देखेगा, मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा? रात रात भर जाके सेवा करो अपने सुख के लिए। अगर वो पति का सुख चाहे पत्नी, जैसे पति का सुख चाहे अगर पत्नी, तो सदा उसको तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे संसार में कहते हैं, जैसे आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि बताइए सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण क्या है, जो सुहागन बोले, आप लोग ऐसा कहते हैं पति से पहले चली जाए, लेकिन वास्तविकता में क्या है? जी भी सब अपना सुखी है। अगर वो पति का सुख चाहे तो सदा वो यही प्रार्थना करे भगवान से कि मैं इनके पास जाऊँ, क्यों? ताकि मरते दम तक मैं इनकी सेवा करूँ, वरना मेरे जाने के बाद इनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन हम पहले चले जाएं, छुट्टी, हमें क्या करना, उसके बाद क्या होने वाला है? हाँ, वरना ये पहले चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये चलता है नाटक। प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, स्वार्थ की हानि हो जाए, बस फिर देखो कैसे लड़ाइयां होती हैं। सारा संसार स्वार्थ पर टिका है। एक पत्नी जो दिन रात सुनती है अपने पति से कि साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, अब वो सोचती है कि भाई बहुत मेरा पति बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जरा परीक्षा ले, टेस्ट। तो उसने अपने ससुर सास से बता दिया, अपने सास ससुर से बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ, मामला गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना भाई। अब उसने क्या किया, जान पूछ के उसने झूठी मूठी चिट्ठी लिखी किसी दूसरे पुरुष के नाम,
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मेरा पति कहीं बाहर जाए तो मैं मिलने आऊंगी, ऐसा ऐसा फलाना झूठी मूठी चिट्ठी लिख दी और जान कुछ ही ऐसी जगह रख दी जहाँ पति की नजर चली जाए। अब पति तो ऑफिस गए हैं, मैं उदाहरण से बता रही हूँ। अब शाम को पति आए, अब पति तो भाई आती ही कहा अपनी पत्नी से, भाई गर्मा गर्म चाय बनाओ, बस तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, चाय का फ्रेश होने का सामान सब तैयार है, अंदर जाओ तो जरा। अब पति जहाँ अपना सब सामान रखते थे, पर्स वगैरह रखते थे, बेल्ट वगैरह, वहीं पर उसने वो कागज रखा हुआ चिट्ठी का, ऐसे झूठ मूठ मैं उदाहरण से बता रही हूँ। अब पति ने देखा ये क्या है कागज, खोल कर देखा ये तो मेरी पत्नी की हैंड राइटिंग है। पढ़ा, पढ़ते ही गुस्से में भर गए। अब पत्नी किधर चाय लेकर आई, अब घूर घूर के देख, पत्नी ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारे करैक्टर के ऊपर, मुझे पहले से ही डाउट था, वो तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था, अच्छा हुआ यार मेरे हाथ प्रमाण रखे, भागना चाहती थी, मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी तुमसे शादी करके। पत्नी कहती है कल तो कह रहे थे साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, कह रहे थे तुम मिल गई तो लाइफ मिल गई, अब कहते मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ज्यादा मत बोलो, ये तो जीवन खराब कर दिया, अब चिल्लाता जा रहा है। इतने में माँ आ गई लड़के की, अब वो तो जानती थी, तो माँ ने कहा क्या बात है बेटा क्यों चिल्ला रहा है, तो माँ से कहता है कि माँ देखो देखो अपनी बहू की करतूत देखो, मैं तो जीवन बर्बाद हो गया शादी कर। अब माँ ने कहा कि अरे बेटा तू इतना बड़ा ऑफिसर बन गया लेकिन मेरा बुद्धू है, तो लड़के ने कहा माँ तू तो मुझे बुद्धू कह रही क्यों, तो उस लड़के माँ ने कहा कि अरे बेटा आज क्या डेट है, तो उसने कहा 1 अप्रैल, तो फिर ये तुझे अप्रैल फूल बना रही है, मूर्ख दिवस, यानी ये तुझे मूर्ख बना रही है। तब उसने सोचा अच्छा अच्छा माँ तभी मैं सोचू कि मेरी कमला ऐसी नहीं हो सकती। बस वो तो ना पेंडुलम कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बस यही संसार, बस कभी इधर स्वार्थ है तो प्यार है, स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म, फिर स्वार्थ की आनी होने लगता है, तो फिर देखो कैसे लड़ाइयां होती हैं। और हर रिश्ते की यही बात है, हर रिश्ते का यही नाटक है। अगर बाप बेटे से कहता है कि अरे बेटा तेरा चश्मा लेकर आना, तुरंत दौड़ कर गया बेटा, तुरंत लाकर पिताजी को चश्मा, पिताजी बड़े खुश, शाबाश मेरा बेटा श्रवण कुमार पैदा हुआ, बड़े खुश है। और 15 मिनट बाद वही पिताजी कहे अरे बेटा जरा पानी लेकर आए क्लास, और वो बेटा क्रिकेट देख रहा है, कभी पानी ला कभी चश्मा ला, क्रिकेट नहीं देखने का मैनेजर बैठा नहीं सुना। और पिताजी का स्वर बढ़ा अरे बेटा मैं कह रहा हूँ पानी लेकर आ, अभी भी बैठा। अब पिताजी का स्वर बढ़ा अरे सुनाई नहीं देता मैं कह रहा हूँ पानी लेकर आ, राक्षस पैदा हुआ सुनता ही नहीं है। लो अभी 15 मिनट पहले वही बेटा श्रवण कुमार, अभी 15 मिनट बाद राक्षस हो गया। अब ये क्या है, बात मान ली स्वार्थ पूरा हुआ श्रवण कुमार, स्वार्थ नहीं पूरा वही बेटा राक्षस। ये क्या है, ये संसार है, ये सारे संसार का हाल है, स्वार्थ से ही सब प्यार करते हैं, जहां स्वार्थ की हानि होए तो फिर देखो तमाशा घरों घरों में लड़ाई झगड़े, तो सारा संसार का कच्चा चिट्ठा केवल स्वार्थ पर टिका है, कोई संसार में किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक जीव माया के अधीन है, जब तक जीव को भगवान नहीं मिल जाते वो कुछ भी करेगा इस संसार में केवल अपने सुख के लिए, केवल अपने सुख के लिए। ये बात अच्छे से बुद्धि में बिठा लो, जब तक जीव माया के अधीन है, जब तक ये 3 गुण है इस संसार में, ना तो किसी की किसी के साथ 1 दिन को पड़ सकती है, कोई किसी के अनुकूल 1 दिन को नहीं हो सकता, इसमें आशा नहीं। और दूसरी बात, इस संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, देखो मेरे लिए कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं करना है,
ये तो मैं ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, बोलना नहीं है परिवार में जाकर के, बोलने मत लग जाना, ये तो आप लोगों के आंतरिक ज्ञान के लिए, भीतर के संसार को समाप्त करने के लिए। बाहर से जाकर के वैसा नहीं करना कि हाँ, क्योंकि कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, क्यों, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है ना, और हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ सुख मिले, इसलिए पता चाहिए। लेकिन कोई हमारी प्रशंसा करे तब आश्चर्य करे, ये कैसे हमारे को अच्छा कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आदत उल्टी है, कोई हमारी प्रशंसा करे हाँ ये अच्छा है, इससे दोस्ती करनी चाहिए, और कोई हमारी बुराई करे ये हमारा दुश्मन है, हम उल्टा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे कुछ सामान चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा ही करते हैं, अरे यार तू तो बड़ा इतना काम करता है, ऐसा ऐसा करता है, यार मेरा ये काम कर देना जरा। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं सर, इस संसार में अपने अलावा तो कोई किसी को अच्छा नहीं मानता, लेकिन अगर आप दूसरे की तारीफ कर रहे हो तो जरूर उसके पीछे स्वार्थ है, वरना इस संसार में त्रेता युग में ये संभव नहीं हुआ। जिस राम राज्य में हर रामायण में कहा गया है कि राम राज्य में हर कोई संत था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप किसी भी राम राज्य में किसी मनुष्य के अंदर नहीं थे, सब माया से परे थे। फिर भी उस राम राज्य अयोध्या में भी त्रेता युग में एक धोबी निकल आए जिसने सीता मैया पर उंगली उठा दी, वो भी अग्नि परीक्षा के बाद कि मैं कोई राम नहीं हूं, इतने दिन सीता रावण के पास रहकर आई है और बगल में रानी बना लो, अब ये कहां से निकला है। जिसके लिए, जिस अयोध्या के लिए हर रामायण में कहा गया है कि सारा अयोध्या वासी माया के तीन गुणों से परे है, फिर ये धोबी कहां से निकला है जिसने सीता मैया पर उंगली उठा दी। तो फिर आप क्या आशा करते हैं, जब त्रेता युग में सीता मैया पर परीक्षा देने के बाद लोग हमको अच्छा नहीं कह सके, तो आप क्या आशा करते हैं इस कलयुग में कि लोग हमें अच्छा कहेंगे। हो ही नहीं सकता, हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं जिसके सारा संसार हमें अच्छा कह सके। अच्छा काम करेंगे तो बुरे पार्टी वाले बोलते हैं, बुरा काम करते हैं तो अच्छे लोग बोलते हैं, बुराई तो सदा हमारी हो, चाहे अच्छा काम करो तो बुरे लोग बोलेंगे, बुरा काम करोगे तो अच्छे लोग बोलेंगे, अच्छा कोई नहीं कहता हमको इस संसार में। लेकिन हम पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर देते हैं कि क्या करें कि लोग हमें अच्छा कहें, पूरा जीवन। जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ध्यान दीजिएगा, एक बार शंकर जी ने पार्वती मैया से कहा कि चलो पार्वती, हम लोग संसार का भ्रमण करके आते हैं, कैसे कैसे जीव रहते हैं संसार में, चलो देख कर आते हैं, पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं संसार में। ठीक है, मैया मान गई। अब दोनों पृथ्वी पर आए, दोनों पैदल चलने में, आगे आगे नंदी चल रहा है, पीछे पीछे शंकर जी और पार्वती मैया चल रही है। अब चल ही रहे थे, इतने में मनुष्य मिल गए, यानी हम लोग, हम लोगों ने देखा और देख कर के हंसने लगे कि देखो देखो ये कैसे मूर्ख है, अरे सवारी जा रही है खाली और ये लोग पैदल चल रहे हैं, अरे सवारी होती किस लिए है, आराम से बैठो और जाओ जहाँ जाना है। इनको देखो पैदल चल रहे, सवारी आगे आगे जा रही। तो शंकर जी ने कहा सुना पार्वती, तो पार्वती मैया ने कहा ठीक तो कह रहे, ठीक कह रहे, तो चलो फिर बैठ जाते हैं दोनों। अब दोनों बैठ गए, फिर चले आगे, फिर हम लोग मिल गए, फिर हम लोगों ने देखा, फिर कहा कि देखो देखो कैसे ये अत्याचारी कर रहे हैं पशु के ऊपर, बेचारा वो मूक है, कुछ बोल नहीं सकता, तो ये दोनों बैठ गए एक साथ, वो भी स्त्री पति, लज्जा नहीं है, बेचारे पशु पे कितना अत्याचार करते हैं। अब शंकर जी ने कहा सुना पार्वती, पार्वती मैया ने कहा ठीक तो कह रहे, अच्छा ठीक कह रहे, तो एक काम करो मैं बैठ जाता हूँ, तुम पैदल चलो। ठीक है, अब शंकर जी बैठ गए नंदी पर, अब पार्वती मैया बगल में पैदल चलने लगी। अब फिर थोड़ा चले, फिर हम लोग मिल गए, फिर हम लोगों ने देखा और कहा देखो तो कितना अत्याचार है आज की पुरुष जाति का,
बेचारी वो कोमल सी स्त्री पैदल चल रही है और ये हट्टा कट्टा पुरुष होके बैठा है नंदी के ऊपर। हे भगवान, ये पुरुष जाति का बहुत अत्याचार है। शंकर जी ने कहा, सुना पार्वती? पार्वती मैया ने कहा, ठीक तो कह रहे, ठीक कह रहे, तो ऐसा करते हैं कि फिर शंकर जी ने कहा, तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। ठीक है, ये भी करके देख लेते। अब पार्वती मैया बैठ गई नंदी पर, शंकर जी पैदल चलने लगे। फिर चले, फिर हम लोग मिल गए, फिर हम लोगों ने देखा और कहा कि देखो, अरे जो पति परमेश्वर के समान होता है उसकी पूजा करनी चाहिए, और इस स्त्री को देखो ठार से बैठकर जा रही है, और उसका पति देखो एकदम पूंछ लाता हुआ जैसे उसका गुलाम है जा रहा है पीछे पीछे। देखो तो क्या जमाना आ गया। शंकर जी ने कहा, सुना पार्वती? पार्वती मैया ने कहा, ठीक तो कह रहे हैं। अच्छा तो फिर क्या करें? तो ऐसा करते हैं, देख मेरे पास ये त्रिशूल है, हमने इस नंदी को इस पर लटका देते हैं, दोनों लेकर चलते हैं। अब ऐसे ही किया, अब एक तरफ से पार्वती मैया, एक तरफ शंकर जी त्रिशूल को नंदी को लेके पकड़ने चले। फिर आगे चले, फिर हम लोग मिल गए, फिर हम लोगों ने देखा और कहा, देखो तो इन लोगों के एक नहीं चारों स्क्रू ढीले। अरे कोई सवारी को ऐसे उठा के लेकर जाता है, इतने बोझ उठाओ जाके? ये भगवान बोलो मूर्ख। शंकर जी ने कहा, सुना पार्वती? पार्वती मैंने कहा, ठीक तो कह रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा, सब ठीक कह रहे हैं, तो हम क्या करें ऐसा कि मनुष्य खुश हो जाए? हम सब कुछ करके देख लिए लेकिन मनुष्य खुश नहीं हो सका, कोई अच्छा नहीं कह सका, बुराई होती रही होती रही। ऐसे ही है ये संसार, ज्यादा चुप रहोगे बिल्कुल चुप रहते हैं, ज्यादा बोलोगे लोग भागने लगते हैं, ज्यादा गुस्सा करो तो प्रॉब्लम, ज्यादा हंसो तो। ऐसी कोई चीज है जिसके लिए लोग कहें कि हाँ तुम ठीक हो? कोई एक ऐसा गुण हमारे अंदर हो जिसके सारा संसार कहे कि हाँ तुम ठीक हो, परफेक्ट हो? नहीं, बुराई सदा होनी है संसार में। कितना भी आप कुछ भी करो, अच्छा काम करोगे तो बुरी पार्टी वाले बुरे, बुरा काम करोगे तो अच्छे पार्टी वाले बुरे, बुराई तो सदा होगी संसार में। जब तक जी माया के अधीन है, माया से परे भी हो जाते हैं संत लोग को भी तो बेचारे दिन भर अपमान सहते हैं, कि संसार का काम है सदा बुराई देखना। तो जब संसार में बुराई होनी ही है तो अच्छा काम क्यों ना करें? बुराई तो होनी ही है, इसलिए अच्छा कर्म करो, भक्ति करो। संसार तो सदा पैर खींचेगा, किस संत का नहीं खींचा, क्या मीरा का नहीं खींचा, क्या प्रहलाद के साथ नहीं हुआ, क्या तुलसीदास जी के साथ नहीं हुआ, सूरदास के साथ नहीं हुआ? सदा संसार का ये काम है सदा बुराई करना। अच्छे मार्ग पे चलोगे तो सदा ऐसी होगा। इसीलिए संसार में कोई भी हमारी बुराई करे तो बुरा नहीं मानना, जी माया के अधीन है। कोई हमारी तारीफ करता है तो आश्चर्य करो कि ये हमारी तारीफ क्यों कर रहा है, पक्का इसका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, सावधान हो जाओ। इसलिए संसार में ये बात सदा याद रखो कि संसार में कोई किसी के अनुकूल एक दिन को भी नहीं हो सकता, और ना ही संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ कर सकता है, और ना ही संसार में कोई किसी को अच्छा कह सकता है। बुराई पहनोगे तो भी बुराई करेंगे लोग, देखो देखो कितने महंगे कपड़े पहनती है, और बिल्कुल ही 100 रुपए के ऐसे फटीचर हार में घूमने को भी, देखो देखो कैसे तो घूम रहे हैं, ना नहाते हैं ना कपड़े पहनते, कैसे घूम रहे हैं। बुराई सदा उनके लिए अच्छा बनना है ताकि वो हम पर कृपा कर सके, तो हमें अच्छा बनना है भगवान के लिए, अपने कल्याण के लिए, दुनिया को दिखा उसको सुधारो मैं सही हूं। आज सारा संसार हम सब यही करते हैं, उस सब दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हर जी पहले खुद अच्छे बनो तब दूसरों को अच्छा बनाने का अभ्यास करो। जैसे आप कभी प्लेन में सफर किए हो, अगर एरोप्लेन में सफर किए हो तो एरोप्लेन में जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गाइडलाइन बताया जाता है, नियम बताए जाते हैं, तो उसमें मास्क दिया, ऑक्सीजन मास्क को बताते हैं कि जब अगर हवा कम हो पर तो ऑक्सीजन मास्क अपना नीचे गिराएंगे, लेकिन स्वयं की रक्षा पहले करें, पहले अपना मास्क पहने तब दूसरे को पहनो। ये नियम है, वहां से बोला जाता है प्लेन में कि पहले अपना मास्क पहने तब अपने अगल बगल वालों को पहना।
ऐसी जब हम खुद अंदर से खोखले हैं तो दूसरे को कैसे शिक्षा देंगे। खुद हम दिन रात झूठ बोल रहे हैं और बच्चों से कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलो। खुद अपने परिवार में माँ बाप का सास ससुर का सम्मान नहीं करते और बच्चों से आशा करते हैं कि बच्चे माँ बाप हमारा सम्मान करते हैं। क्या है, खुद आप वो चीज नहीं कर रहे अमल करते और दूसरों से आशा करते हो कि वो ऐसा करें। खुद आप दिन रात चोरी कर रहे हो, गंदी गंदी बातें से खुद नहीं सुधरते, लेकिन अगर हम अपने आप को अच्छा बनाने लग जाए तो सारा संसार अपने आप अच्छा बन जाएगा हमारे लिए। इसलिए अच्छा बनने का प्रयत्न करना है, अच्छा कहलवाने का नहीं। ठीक है, ये बात समझ गए, हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी समय करूंगी कि आज ही समाप्त हो जाए क्योंकि समय बहुत कम है क्योंकि कल मुझे संतों के बारे में आप लोगों को बताना है। इसलिए ध्यान देकर के सुनिए क्योंकि मैं आप ज्यादा गहराई से नहीं बताने वाला, संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज ही संसार का स्वरूप का विषय खत्म हो जाए। इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये तो हम समझ गए, जितना मैंने माया के तीन गुणों के बारे में अच्छे से समझाया है अब आप समझ गए हैं। अब इसके आगे चलते हैं कि क्या संसार में सुख है। कुछ लोग संसार में बोलते हैं हाँ जी हमें तो बड़ा सुख मिलता है, माँ बाप बीवी बच्चों में रसगुल्ला खाने में बड़ा सुख है। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी संसार में दुखी दुख सुख नहीं, ये भी सुनते हैं। तो फिर क्या है संसार में, क्या संसार में सुख है, क्या संसार में दुख है, और हमें जो सुख दुख संसार में मिलता है वो क्या है। चलिए अब इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखिए क्या संसार में सुख है, क्या संसार में दुख है, आखिर संसार में क्या है। चलिए मैं बताती हूँ, शास्त्र कहते हैं तस्मा दुखात्मकम नास्ति नहि किंचित सुखात्मकम। शास्त्र में कहा गया है कि संसार में न दुख है न सुख है, कुछ नहीं है। लेकिन हमको जो सुख दुख मिलता है फिर वो क्या है। चलिए अब इसको गहराई से समझते हैं। अगर शास्त्र कहते हैं कि संसार में शत्रु मित्र सुख दुख जग माही मायाकृत परमारथ नाही, यानी संसार में कोई दुश्मन या कोई अपना कोई सुख दुख कुछ नहीं है, फिर हमें जो सुख मिलता है, जो सुख का अनुभव होता है, हमें जो दुख मिलता है वो क्या है। फिर चलिए इसको समझेंगे गहराई से, समय कम है लेकिन फिर भी मैं जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करूंगी, ध्यान दीजिए। क्या संसार में सुख है, इसके विषय में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। क्या कि सुख का मतलब क्या होता है, यो वै भूमा तत् सुखम भूमैव सुखम। मैंने बताया ना पहले दिन और दूसरे दिन प्रवचन के बताया था कि सुख का मतलब होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि सुख का मतलब होता है कि एक बार भी अगर जीव को सुख मिल जाए तो वो सदा के लिए सुखी हो जाता है, फिर उस पर दोबारा दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता और वो सुख प्रतिक्षण वर्धमानम हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, अनंत मात्रा का वो सुख होता है। इसे सुख कहते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अब इसी परिभाषा के अनुसार अब आप लोग बताइए क्या हमको ऐसा सुख संसार में मिलता है कि एक बार सुख मिले हम सदा के लिए सुखी हो जाए। मैंने रसगुल्ला का उदाहरण दिया, बच्चों का उदाहरण दिया है ना आप लोगों को। क्या हमको संसार में ऐसा कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए जिसके लिए सब लोग कह सके एक साथ इस वस्तु से हम सबको सुख मिलता है, सदा सुख मिलता है और हमेशा बढ़ता जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण से बताऊं, मान लीजिए आप अपने घर में एक पंडित जी को बुलाए और 56 प्रकार का व्यंजन उसके सामने रखी और पंडित जी से कहिए कि पंडित जी सुख पड़ोसी का कोई स्वार्थ ही नहीं है अपने पड़ोसी से, तो ना कोई सुख है ना कोई दुख है, और चूंकि कर्जदार के स्वार्थ की हानि हो गई इसलिए वो मास्टर साहब उसको दुख दे रहा है। यानी सारी करामात संसार की किसी भी वस्तु, किधर पत्नी बेहोश है,
अब थोड़ी जाग गई, अब फिर भी रो रही है। कितने में क्या देखा 10 मिनट बाद कि उस पति के हाथ हिलने लगे, मरा नहीं ना डॉक्टर को। मेरा इतना मतलब हल होगा उसी वस्तु से या व्यक्ति से हमारी उतनी मात्रा की अटैचमेंट हो जाती है, और जहां हमारा अटैचमेंट हुआ संसार में, जहां हमारी आसक्ति हुई कि हम मर गए, फंस गए। बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर का विषय और है, फिर प्रश्न रखूंगी। आया है कि ये कामना इतनी गंदी बीमारी है कि जिसके मन में कामनाएं रहती हैं वहां भगवान नहीं आते, उसके अंतःकरण में भगवान नहीं बैठते। बैठने का मतलब न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं केवल कर्मों का हिसाब लिखने के लिए। भागवत में 7वें स्कंध के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक है, इसमें भी कहा है कि जो जिन जीवात्माओं के मन में कामनाएं रहती हैं वो कभी कि वो भगवान के बराबर हो जाता है। इतनी गंदी बीमारी है कामनाएं, सोचो अगर ये कामनाएं निकल जाए हमारे मन से हम भगवान के बराबर हो जाए। यो ना कामयते किंचित् ब्रह्म भूयाय कल्पते, महाभारत में भी यही कहा कि जो जीवात्माएं कामनाओं को मन से निकाल दे, इच्छाओं को निकाल दे, बस वो भगवान के बराबर हो जाए। इसीलिए प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से क्या मांगा था, जब नरसिंह भगवान पीछे पड़ गए बेटा वर मांगो वर मांगो, तो प्रहलाद जी का अच्छा पीछे पड़ गए हैं मेरे, ये ऐसे नहीं सुधरे कि मैं कोई मांगता हूँ। भाई नारद जी के शिष्य हैं वो, उनको सही ज्ञान है, तो उन्होंने कहा अच्छा आपको कुछ देना है तो क्या दीजिए। कामानां हृदयतन रोहम भवतस्तु ऋणे, 7वें स्कंध के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए कि मैं आपसे कुछ मांगू ही ना, ये मेरे मांग। Hey, hey, hey.
अपने आप को सुरक्षित रखिए इस आरती के दौरान। श्री राधे राधे। गाली दी तो मान लीजिए अगर एक पागल यहाँ खड़ा है
और जो जाता है उसके सामने से वो सबको गाली देता है, आप भी गए आपको भी गाली दी, तो क्या बुरा मानेंगे उस पागल की गाली का? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आप बुरा मानेंगे वो पागल अगर आपको गाली देगा तो? नीचे रखिए, नहीं नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये तो पागल है, ये पागल से क्या आशा करोगे, ये तो सबको गाली देता है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि ये पागल है, ये सबको गाली देता है, इसकी तो आदत है, क्या आशा करोगे इससे ये अच्छी बात करे, तो आप पहले से जानते हैं ऐसे। देखिए पीछे जी दीदी लोग जितने भी अगर कोई सेवा वाले हैं, जब कीर्तन चलता है तभी लोगों को आगे आने दीजिए, वरना इतने तो जनक विदेह नहीं है ये लोग कि जो आएगा हमको क्या मतलब है, हम केवल प्रवचन पे ध्यान दें। जैसे कोई आता है सब की आंखें नजरें सर से लेकर पांव तक उसी को देखते हैं, जब तक वो बैठेगा नहीं, कौन है, अपना है कि क्या है, साड़ी कैसे पहनी है, पड़ा है, दुश्मन है, बस जैसे भगवान ही मिला देंगे उसको, क्या बात है। इसलिए पहले से ही अभी पीछे बैठा रहा कीजिए, जब कीर्तन चलता है तब आकर क्या भगवान को प्रणाम करें, लेकिन बीच में मत आइए क्योंकि विदेह परमहंस नहीं है यहाँ सब बैठे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए संसार में प्रलय हो जाए हम तो बस प्रवचन सुने। हाँ जनक विदेह इसी प्रकार के थे, उनको जब वो अपने गुरु के पास जाकर ज्ञान ले रहे थे तो उनके गुरु उनको सबसे आगे बिठाते थे, लेकिन बाकी जितने शिष्य थे वो चिढ़ते थे कि भाई राजा है ये जनक, इसलिए गुरु इनको आगे बिठाते हैं, गुरुजी हम लोगों को पीछे बिठाते हैं। अब वो तो संत जो थे वो महापुरुष थे वास्तविक, वो उनके मन की बात को जान गए कि सब शिष्य ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, उन्होंने कहा चलो इनको बताना चाहिए कि मैं जनक को आगे क्यों बिठाता हूँ। तब फिर क्या किया उन गुरु ने, अपनी शक्ति से योग माया की शक्ति से जनक के महल में आग लगा दी, आग लगा दी। अब सब दौड़े दौड़े सैनिक आए, अरे राजा राजन राजन देखो तुम्हारे महल में आग लग गई। तो उस समय जनक विदेह अपना गुरु जी से ज्ञान ले रहे थे ब्रह्म विद्या का, तो उन्होंने कहा गुरु जी आगे सुनो आगे बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, लगती है लगने दो आग। इतने में उनकी रानियां जलने लगी, तब सैनिक दौड़े आए, अरे जनक जी आपकी सब पत्नियां जल रही हैं, जलने दो गुरु जी आप अपना ज्ञान दो, कुछ टस से मस नहीं। और इधर जहां शिष्य जो रहते थे उनके आश्रम में, उनके वहां तो सन्यासी की तरह रहते थे, कमंडल लंगोट बस इतना ही सामान था, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी उन्होंने गुरु जी ने। और जैसे उनको पता चला अरे झोपड़ी में आग लग गई, सब शिष्य छोड़ करके भाग गए ज्ञान को, अरे अपनी लंगोटी बचाओ, कमंडल बचाओ, सामान बचाओ, सब भाग गए जरा से अपने कमंडल को बचाने के लिए, जरा से लंगोटी को बचाने के लिए, भगवान का ज्ञान छोड़ दिया सुनना, लेकिन भगवान अपना सामान बचाने के लिए भाग गए। ठीक वही हाल हमारा भी, जनक जैसे तो नहीं है कि संसार में प्रलय आ जाए हम तो बस ज्ञान सुनेंगे, जरा सा कोई एक व्यक्ति आता है बड़ी शरीर हिले ना लेकिन आंखें हिलती रहती है और मुझे सब पता चलता है, मैं देखती रहती हूँ। हाँ इसीलिए ध्यान दे करके सुनिए जो आएगा। अब पार्वती भाभी आप आगे नहीं आने देना बीच में बैठे थे, ठीक है आगे नहीं आने देना किसी कीजिएगा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि संसार में आशा करना, बस उदाहरण से मैं बता रही थी कि जैसे ये पागल होता है तो पागल जब सबको गाली देता है उसकी बात को बुरा नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वो पागल है, उसे क्या आशा करोगे, वो सबको गाली देता है। ऐसे ही पहले से समझे रहो ना, पहले से समझे रहो कि सारा संसार तीन गुण का पागल है, सात्विक राजस तामस, और सबके अंदर ये तीन गुण बदलते रहते हैं। आज सात्विक है तो हमारे अनुकूल है, घर को तमोगुणी हो जाएगा तो बड़ा झगड़ा करने लग जाएगा। तो ये संसार में हर प्रकार की आशा रखो और ये समझे रहो कि सारा संसार तीन गुण का पागल है। जिस दिन ये बात अच्छे से बुद्धि में बैठ जाएगी ना, देखिए 50% आपका जीवन शांत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से समझे रहो कि हर प्रकार की आशा रखनी। आज ये मेरा सम्मान कर रहा है, कल ये मुझे धोखा दे देगा, आशा रखो। एक ही प्रकार की आशा मत रखना, नहीं तो सदा संसार में अशांत रहोगे,
सदा दुखी रहोगे, कोई भगवान भी आकर आपको नहीं फिर सुखी कर सकते। इसलिए ये तत्व ज्ञान को अच्छे से बुद्धि में बिठाना है कि संसार में कोई भी जीव किसी भी जीव के अनुकूल एक दिन भी नहीं हो सकता इन तीन गुणों के कारण। आप खुद अनुभव करते हैं कि एक ही दिन में उसी पति से उसी बाल बच्चों से 10 बार लड़ाइयां होंगी, 10 बार प्यार होगा। सुबह बड़ा प्रेम आ रहा है, कोई बात नहीं मानी तो लड़ाइयां शुरू हो गई, फिर रात को सॉरी सॉरी, फिर झगड़े खत्म हो गए। ये नाटक आप रोज अनुभव करते हैं घर में। उसी माँ से उन्हें परिवार से 10 बार लड़ाइयां होती है, 10 बार वहीं जाकर नाटक करते हैं। ये खुद आप लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है कि गुणों के कारण मन बदलता रहता है, हमारे हाव भाव बदलते रहते हैं, स्वभाव बदलता है, इसलिए लड़ाई झगड़े होते जाते हैं।